पर सफेद चांद तारा बने झंडे को, जिसे हिंदुस्तान में इस्लामिक झंडा कहकर इस्तेमाल किया जाता है और सड़कों पर, इबादत गाहों पर लोग लगाते हैं, अपनी मकान की छतों पर लगाते हैं, इस पर मैंने आपत्ति की थी और मैंने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए उसमें नोटिस जारी किया है। हरे रंग पर चांद तारा इस्लामिक झंडा नहीं है। इस्लाम आने से पहले तो इसको वैश्याएं अपने घरों पर लगाती थी, उनका मकसद ये होता था कि चांदनी रात में तारों की छाव में जो महफिलें सजाती थी वो अपने घरों पर लगाती थी। इससे तो इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग, नासमझ लोग, कहीं ना कहीं ऐसा झंडा लगाकर पाकिस्तान को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, और ये साजिश उन लोगों की थी जो पार्टीशन के बाद भी हिंदुस्तान में रह गए थे और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो अपने दिलों में कायम रखते हुए, और उन्होंने ये साजिश की थी और इसको इस्लामिक झंडा बता दिया था। पाकिस्तान का जो झंडे का चिन्ह है, इसीलिए नापाक है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पाकिस्तान के झंडे में जो चांद तारा बना हुआ है वो वैश्याओं का चिन्ह है। इस्लाम से पहले इसको वैश्याएं इस्तेमाल करती थी, इसीलिए पाकिस्तान आज तक नापाक हरकतें कर रहा है।